नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सुहासिनी आपका NIOS स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु प्रचलित एक विधि खोज उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। खोज उपागम एक ऐसी विधि है जिसे आप विज्ञान शिक्षण हेतु उपयोग कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप क्या करने में सक्षम होंगे, उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। आप खोज उपागम के संप्रत्यय को समझ सकेंगे, विज्ञान शिक्षण हेतु खोज उपागम की आवश्यकता को समझ सकेंगे, खोज उपागम के विभिन्न चरणों को समझ सकेंगे, खोज उपागम के गुण एवं दोषों से परिचित होंगे। आप विज्ञान विषय के विभिन्न प्रकरणों के अध्यापन में खोज उपागम का प्रयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। खोज उपागम के आधार पर पाठ योजना विकसित कर सकेंगे। शिक्षार्थियों, यदि हम विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधि खोज विधि के बारे में चर्चा करें तो खोज विधि एक ऐसी आविष्कार प्रधान विधि है जिसमें छात्र स्वयं प्रेरित होकर शिक्षक के निर्देशन में किसी वस्तु की खोज करने के लिए निरंतर तब तक प्रयासरत रहता है जब तक वह किसी अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले। यदि हम यह कहें कि यह एक निरंतर अभ्यास तथा प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर किसी निष्कर्ष का अन्वेषण करने की एक विधि है, इसलिए इसे हम अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं। यदि हम विज्ञान के शिक्षण हेतु एक शिक्षक के रूप में खोज उपागम का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को की पूर्ति का लक्ष्य होता है। खोज विद्यार्थियों के सीखने में सहायता करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है। यह उपागम विज्ञान के प्रति सकारात्मक प्रवृत्तियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने वाला भी है। कई उद्देश्यों के लिए आप शिक्षण में प्रयोगात्मक खोज का प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को हम खोज विधि द्वारा निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक विधि के संबंध में विद्यार्थियों की समझ को विकसित करना, एक अवधारणा के संबंध में विद्यार्थियों की वैज्ञानिक समझ को सुदृढ़ करने में सहायता करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशल विकसित करना, उदाहरण के लिए एक कार्यविधि की योजना बनाना, मापना, प्रेक्षण करना और आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़ों को प्रस्तुत करना अथवा आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। एक वैज्ञानिक विधि किन प्रमुख गुणों का समावेश करती है, उन्हें हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न की पहचान करना, एक अनुमान बताना या भविष्य कथन करना, किसी भी प्रयोग को करने से पूर्व उस प्रयोग की योजना बनाना, उस प्रयोग को क्रियान्वित करना, प्रयोग द्वारा प्राप्त प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना, प्रेक्षणों के आधार पर परिणामों की व्याख्या करना, परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालना और उन निष्कर्ष एवं परिणामों को प्रस्तुत करना। यदि हम खोज उपागम के प्रकारों की चर्चा करें तो यह मुख्यतः तीन प्रकार का हो सकता है। पहला स्वतंत्र खोज उपागम, दूसरा निर्देशित खोज उपागम और तीसरा निगमनात्मक खोज उपागम। इसमें स्वतंत्र खोज उपागम प्रमुख रूप से वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जो स्वतंत्र रूप से किसी भी समस्या पर चिंतन करते हैं तथा खोज द्वारा नए नियमों एवं सिद्धांतों को निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। निर्देशित खोज उपागम मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। इसमें एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ निर्देशित तरीके से खोज का आयोजन करता है और पहले से प्राप्त नियमों एवं संप्रत्ययों का सत्यापन किया जाता है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्यतः हम निर्देशित खोज उपागम का प्रयोग करते हैं। अंतिम खोज उपागम निगमनात्मक खोज उपागम है जो प्रमुख रूप से निगमनात्मक चिंतन पर आधारित होता है। इस क्रम में एक शिक्षक के रूप में हमें निर्देशित खोज उपागम के विभिन्न चरणों को समझना आवश्यक है। निर्देशित खोज उपागम के आधार पर कार्य करते हुए हम
प्रस्तुत चरणों के आधार पर कार्य की योजना तैयार करते हैं। सर्वप्रथम समस्या का प्रस्तुतीकरण किया जाता है, समस्या के आधार पर तथ्यों की खोज की जाती है, परिकल्पनाओं का निर्माण होता है, परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है और अगले एवं अंतिम चरण में नियम एवं निष्कर्ष निकाले जाते हैं। खोज उपागम के इन पदों को समझने के लिए हम एक छोटा सा विज्ञान प्रकरण का उदाहरण लेकर देख सकते हैं। जैसे एक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपको शिक्षार्थियों को विलेय एवं अविलेय पदार्थों के बारे में बताना है, तो यहाँ पर एक आसान तरीका यह है कि आप अपने कक्षा में जाएं और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के हिसाब से आप बच्चों को केवल बता दें कि यह पदार्थ पानी में विलेय है, अर्थात जब इसे पानी में डाला जाता है तो वह घुल जाता है, या कोई दूसरा पदार्थ पानी में अविलेय है, अर्थात जब उसे पानी में मिलाया जाता है तो वह पानी में नहीं घुलता। किंतु विज्ञान विषय में करके सीखने की प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है और खोज उपागम में इस प्रक्रिया को हम पूर्णतः प्रयोग करते हैं। इसलिए इस विधि से अधिगम करने हेतु सर्वप्रथम शिक्षक विलेय एवं अविलेय पदार्थों पर समस्या का प्रस्तुतीकरण छात्रों के समक्ष करता है। उसके बाद अपने परिवेश में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संग्रह किया जाता है तथा अन्य आवश्यक उपकरण जैसे परख नली, जल आदि की व्यवस्था की जाती है। अब छात्रों को यह अवसर दिया जाता है कि वह एक एक करके विभिन्न पदार्थों को जल के साथ घोलकर स्वयं देखें कि कौन से पदार्थ जल में घुलनशील हैं, अर्थात विलेय पदार्थ हैं, तथा कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो जल में अघुलनशील हैं, अर्थात अविलेय पदार्थ हैं। इस कार्य के लिए आप एक शिक्षक के रूप में अपने परिवेश में उपस्थित विभिन्न पदार्थों को आप छात्रों के समक्ष उपस्थित कर सकते हैं और जिसे वह बारी बारी से एक एक करके जल में घोल करके यह देख सकें कि कौन से पदार्थ विलेय हैं एवं कौन से पदार्थ अविलेय हैं। और इस प्रकार से जो प्राप्त ज्ञान है वह निश्चित रूप से छात्रों के लिए एक स्थायी ज्ञान होगा, अपितु आप केवल छात्रों को एक विलेय और अविलेय पदार्थों की सूची उपलब्ध करा देते और वह सूची उन छात्रों द्वारा याद की जानी होती और परीक्षा में उसे उसी प्रकार से लिखना होता। यदि एक शिक्षक के रूप में आप खोज उपागम से शिक्षण करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम यह देखना है कि खोज के क्या उद्देश्य हैं, इस खोज को करके आप क्या चाहते हैं कि छात्र सीखें, कौन से उपकरणों और सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी सुरक्षा आशंकाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, अतः आप कौन सी सावधानियों का पालन करेंगे। इस बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो हमने जो पहले उदाहरण लिया कि हम विलेय और अविलेय पदार्थों के विषय में छात्रों को खोज विधि द्वारा सिखाएंगे, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम परिवेश से ऐसे पदार्थों का चयन करें जो बच्चों के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक ना हो। जैसे हमें किसी भी प्रकार के तीक्ष्ण अम्लों आदि का चयन नहीं करना है, हम ऐसे पदार्थों का चयन करें जिनको घोलकर पानी में घोलने पर जब हम प्रयोग करें तो वह किसी भी प्रकार से छात्रों को हानि ना पहुंचाए। आप खोज का परिचय कैसे कराएंगे, यह भी एक आवश्यक चरण है। आप छात्रों को कैसे यह समझाने में सहायता करेंगे कि उन्हें क्या करना है, छात्र कैसे काम करेंगे, वह समूहों में काम करेंगे या जोड़ियों में काम करेंगे, यह भी एक शिक्षक के रूप में आपको खोज से पूर्व निर्धारित कर लेना होता है। जैसे जैसे खोज अग्रसर होता है छात्रों को कौन से अभिलेख बनाने की आवश्यकता होगी, उनके काम करने के दौरान आप कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं, खोज के पश्चात अपने छात्रों को उन्होंने जो सीखा है उसकी समीक्षा करने में सहायता करने के लिए आप क्या करेंगे, यह विभिन्न बिंदु हैं जिन्हें आपको एक प्रयोगात्मक खोज का नियोजन करने से पूर्व चिंतन करना आवश्यक है। यदि एक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप खोज उपागम को अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समावेशित करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस खोज उपागम के कौन कौन से गुण होते हैं। यह उपागम शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस उपागम से
छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। खोज उपागम क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होता है। अतः जब छात्र इस उपागम द्वारा करके सीखते हैं तो उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इस विधि से अध्ययन में छात्रों में अनुसंधान प्रकृति विकसित होती है, क्योंकि आप इस विधि द्वारा अध्ययन में नियमों एवं प्रत्ययों को केवल छात्रों को बताते नहीं, अपितु छात्रों को यह अवसर प्रदान करते हैं कि वह विज्ञान विषय से संबंधित नियमों एवं प्रत्ययों को स्वयं खोज करके सीखें। इस विधि द्वारा छात्र स्वयं करके सीखते हैं, जिसमें उनमें विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। निश्चित रूप से यदि हम विज्ञान के शिक्षण अधिगम में केवल पुस्तकों के आधार पर विज्ञान का ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं एक शिक्षार्थी की विज्ञान विषय के प्रति अरुचि विकसित हो जाती है। लेकिन यदि विज्ञान विषय को पढ़ाते समय हम विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का सहारा लें एवं शिक्षार्थी को यह अवसर प्रदान करें कि वह विज्ञान के नियमों एवं प्रत्ययों का स्वयं विकास करे, वह नियमों एवं प्रत्ययों की खोज स्वयं करे, तो निश्चित रूप से एक विद्यार्थी उस विषय में रुचि के साथ कार्य करता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा, क्योंकि यह ज्ञान एक शिक्षार्थी ने स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त किया है। यह मात्र रटने की पद्धति पर आधारित नहीं है। एक शिक्षक के रूप में यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो खोज उपागम के इन गुणों के अलावा बहुत सारे ऐसे दोष भी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। यदि हम खोज उपागम की बात करें तो यह उपागम निम्न स्तर के छात्रों हेतु उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि यदि हम निम्न स्तर के छात्रों को किसी भी विषय या प्रकरण के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं तो यह संभव नहीं कि प्रत्येक छात्र अपनी मानसिक योग्यता के अनुसार किसी उचित नियम या निष्कर्ष को निकालने में सक्षम हो। अतः कभी कभी यह देखने को मिलता है कि हम खोज उपागम के आधार पर जब कार्य कर रहे होते हैं तो छात्रों में कुछ ऐसी निराशाजनक क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे वह उस विषय में रुचि नहीं लेते हैं। यह उपागम समय की दृष्टि से भी मितव्ययी नहीं होता है, क्योंकि यदि हम विभिन्न प्रकार के खोजों का आयोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अधिक समय किसी एक प्रकरण के लिए देना होता है। तो यदि हम विज्ञान विषय के समस्त प्रकरणों को खोज विधि द्वारा अपनाते हैं तो समस्त प्रकरणों को पूर्ण करने में अधिक समय की आवश्यकता होती है। खोज उपागम आर्थिक दृष्टि से भी खर्चीला है, क्योंकि यदि एक शिक्षक के रूप में आप अपने कक्षा में खोज उपागम के आधार पर शिक्षण करना चाहते हैं तो आपको विभिन्न पदार्थों की अपनी कक्षा में आवश्यकता होगी। जैसे अभी हमने उदाहरण में चर्चा की थी कि यदि हम विलेय और अविलेय पदार्थों के बारे में जानना चाहते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में विभिन्न पदार्थों का संकलन करना होगा, जिनको बारी बारी से पानी में घोलकर छात्र यह सीख सकें कि कौन सा पदार्थ विलेय पदार्थ है या कौन सा पदार्थ अविलेय पदार्थ है। इस उपागम के अध्ययन में एक शिक्षक पर अधिक उत्तरदायित्व होता है तथा केवल कुशल व योग्य शिक्षक ही इसका संचालन कर सकते हैं। यदि खोज उपागम से आपको अपनी कक्षा संचालित करनी है तो एक शिक्षक के रूप में आप पर अधिक दायित्व होता है। खोज का आयोजन किस प्रकार करेंगे, उसमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखेंगे, उनमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है, इस सभी का निर्धारण एक शिक्षक के रूप में आपको करना होता है। और एक कुशल एवं योग्य शिक्षक ही इस विधि का प्रयोग अपनी कक्षा में कर सकते हैं, और अधिकांश शिक्षक इस विधि का प्रयोग इस उत्तरदायित्व के कारण अपनी कक्षा में नहीं करते हैं। इस विधि से सभी पाठ्य वस्तु का शिक्षण संभव नहीं होता है। विज्ञान विषय के शिक्षण में यदि हम समस्त पाठ्य वस्तु की बात करें तो खोज उपागम के द्वारा एक कक्षा में सीमित संसाधनों के बीच हम सभी प्रकार की पाठ्य वस्तु का शिक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर एक कक्षा में हमारे संसाधन सीमित हैं तथा समय के अभाव में हम सभी पाठ्य वस्तु का शिक्षण इस विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हमने यह चर्चा की
कि खोज उपागम के क्या दोष हैं एवं उसके क्या लाभ हैं। एक शिक्षक के रूप में हमने यह अध्ययन किया कि किस प्रकार हम अपनी कक्षा में खोज उपागम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि खोज उपागम के प्रयोग से विज्ञान के ज्ञान को एक शिक्षार्थी स्वयं करके प्राप्त कर रहा है और उसकी रुचि विज्ञान विषय में हो रही है, तो निश्चित रूप से हमें यह प्रयास करना चाहिए कि विज्ञान विषय के जिन प्रकरणों में संभव हो उन प्रकरणों में हम खोज उपागम का प्रयोग करें, क्योंकि खोज उपागम में एक शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य एक अच्छा संबंध विकसित होता है। इसलिए निर्देशित खोज उपागम के द्वारा आप अपनी कक्षा में ध्यानपूर्वक जब शिक्षार्थियों को खोज उपागम में संलग्न करते हैं तो उनमें कार्य के प्रति रुचि का विकास होता है एवं वह विज्ञान विषय में विभिन्न प्रकार के नियमों एवं प्रत्ययों का ज्ञान विकसित करने में अपने को सक्षम महसूस करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप कक्षा में विज्ञान शिक्षण हेतु इस उपागम का प्रयोग विभिन्न प्रकरणों पर करते रहें। धन्यवाद।